5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए। यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं। आज का सब्जेक्ट है ना अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप पूछोगे कैसे भारत को मिला लिथियम, वो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब आप में से काफी लोग नहीं जानते होंगे लिथियम क्या होता है। तो अब अगर आप अच्छे मोबाइल रखते हो, आईफोन वगैरह रखते हो, अच्छी बैटरी वाला अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें लिथियम यूज की जाती है। जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है उनकी बैटरियों के अंदर लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लिथियम हर जगह नहीं मिलता है। सही बात है। और मैंने इंटरेस्टिंग क्यों कहा सब्जेक्ट को कि हमारे देश के अंदर मिला लिथियम, इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, और वो कहां मिला जम्मू एंड कश्मीर में। वैसे जहां मिला है वो जम्मू में मिला है, कश्मीर से तो बहुत दूर है, लेकिन अगर प्रॉपर बात की जाए तो वो मिला है जम्मू के अंदर। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तानी लोगों के पास गए और उनसे ये पूछ रहे हैं कि कश्मीर के अंदर लिथियम मिला है तो हमारा हक बनता है कि नहीं बनता। नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दिलावर हुसैन। क्या करते हैं? मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स। बीएस फिजिक्स, ठीक है। फिर तो अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जिसके लिए हम हर साल रैली निकालते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये वो, इस तरह के हम नारे लगाते हैं। जी जी। अभी वहाँ से इंडिया को दुनिया के दूसरे नंबर पे बड़े जखायर मिले हैं लिथियम के। जी जी। ठीक है, रिजर्व मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि इतनी बड़ी अचीवमेंट या इतने बड़े अगर रिजर्व मिले हैं? जी जी। रिसोर्सेज मिले हैं, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ये बेसिकली कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। अबे साले, जब 1947 में पाकिस्तान बना था तब तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, वो तो इंडिया ने मतलब जोर से अपनी फौजें धकेल दी थी। मैंने कहा ना मनोरंजन में कोई कमी नहीं आएगी, भाई ने पहली गेंद पे छक्का मार दिया। पाकिस्तान बना था तब तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। 1947 से कश्मीर पाकिस्तान का था। अबे 1947 से पहले तो पाकिस्तान भी भारत का ही था, तो तुम्हारा कश्मीर कहाँ से हो गया बे? कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। चलो ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा कभी नहीं बना, मतलब ये नहीं है कि 1947 में वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो अलहदा स्टेट थी। जी, बेसिकली तो पहला नंबर तो कश्मीर डिजर्व करता है कि कश्मीर की स्टेट को ये चीजें दी जाए। आमी मानुस, ठीक है, अगर वो डिजर्व उन्हें नहीं दी जाती, पाकिस्तान को इसका हिस्सेदार बनाए ना, इंडिया तो इस चीज में आता ही नहीं है। और तेरी क्यों नहीं आता मेरे भाई? पता नहीं क्यों नहीं आता है, पता नहीं। भारत सरकार मेहनत करे, भारत सरकार ही पैसा लगाए, भारत के लोग ही उसको ढूंढे, लेकिन भारत को ही नहीं मिलना चाहिए। क्यों भाई, आसमान से टपके हो? नहीं, चाहे लो। क्योंकि इंडिया हर वक्त उन पे जुल्म सतम कर रहा है, आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। ये मेरा भाई जरूर फिजा खलीफा के प्रोग्राम देखता है, तभी उसकी ही लाइन बोल रहा है कि मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। फौज तैयार है। अच्छा। कौम तैयार है। ठीक है। हम तैयार हैं। ठीक है। सिविल और मिलिट्री की आदत एक पेज पर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, समझ गया। लड़ने और मरने से हम नहीं डरते। अच्छा। हमें नहीं है डर, हमारा तो ईमान ही है कि असल जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सबसे फौज निकाली है, जो मेहनत की है वो इंडिया की टीम ने की है। इसके अलावा अगर बात करें कि भाई ऐसे हमारे पास भी जो कश्मीर है, हम वहाँ पे अगर कल को कोई चीज निकलती है, हम कहेंगे हम बीच में से हिस्सा किसको दें, इंडिया को दें या किसको दें? फिर मेरे ख्याल से बेसिकली कश्मीर की स्टेट डिजर्व करती है, जहाँ से वो खजाना निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, कोई भी प्रोडक्ट निकलेगी, बेसिकली कश्मीर की आवाम डिजर्व करती है, हमारा भी हक है। इससे बेटर गू खा लेता। तुम्हारे जैसे जाहिलों का मुंह बंद करने के लिए ना 370 और 35 है हटाई है। क्या बात है। बट जिस तरह हमारा हक है उस तरह इंडिया का भी है, लेकिन बेसिकली कश्मीर की आवाम डिजर्व करती है। अच्छा, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप ये जानते ही होंगे लिथियम किस चीज में काम आता है, यानी ये जो लिथियम है ये किस चीज के लिए काम आएगा? लिथियम बेसिकली एक मेटल है और आई थिंक ये एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल होता है। ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे फिजिक्स स्टूडेंट है, ये ज्ञान है इनका। लानत है तुम लोग पे, लानत। ये बैटरीज वगैरह में मेरे ख्याल से बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है, एटॉमिक एनर्जी में भी इस्तेमाल। अभी जैसे तेल का बहुत ऑयल का इशू चल रहा है, इसके अलावा बहुत से इशू चल रहे हैं, ऐसे में जब उनकी जो गाड़ियां हैं वो लिथियम बैटरी के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगी, और कितना फायदा होने वाला, मतलब इतनी बड़ी तादाद में उन्हें ये रिसोर्सेज मिले हैं। वो बेसिकली कल एक खबर आई हुई थी कि आने वाले वक्त में इंडिया एक बहुत ज्यादा कारें प्रोड्यूस करने वाला मुल्क होगा, और इसमें शक भी नहीं है, पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत पीछे जा रहा है, तो
मेरे ख्याल से वो इसलिए इंडिया ही ले जाएगा ये चीज़ें, क्योंकि उन्होंने एक कारें इलेक्ट्रिक पे लानी है। ऑयल का तो बहुत ज़्यादा मतलब है, बहरान पैदा हो चुका है पाकिस्तान में, तो बेसिकली हो चुका है, पाकिस्तान तो इसी वजह से गिर रहा है रोज़ाना। इसके मतलब है आप आज देखें कीमत, तेल की कीमत डेली बढ़ रही है। पाकिस्तान सिर्फ ऑयल की वजह से डिफॉल्ट होने जा रहा है, ऑयल की कमी है, तो इंडिया तो इससे बेसिकली जोर मारेगा कि हमें दें ये चीज़ें। जाहिल है, अपनी जहालत ना दिखाए तो फिर कैसे काम बनेगा भाई। सही पकड़े हैं। और हम इसे पूछने वाली बात है ना कि जिस चीज की पाकिस्तान में शदीद कमी है उसी चीज को अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, लिथियम जो उनसे चीज है, ये कैसे इंडिया के लिए फायदेमंद कैसे हो सकती है? इंडिया के लिए फायदेमंद तो है, कोई भी चीज हो उनके लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि अब वो कारें प्रोड्यूस, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, मतलब इतना ये इतना बिल्कुल कहा जाता है। और इंडिया तो इससे फायदा उठाएगा क्योंकि वो कारें प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन चुका है, अब तो वो इसे इस्तेमाल करेगा, ऑयल को पीछे रखेगा, अब वो इलेक्ट्रिक कारें बनाएगा। और ऑयल बेसिकली तो वो रशिया से ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करता है ना, अब वो इलेक्ट्रिक कारें प्रोड्यूस करने जा रहा है तो वो मतलब डिपेंडेंसी कम नहीं हो जाएगी, जाहिर बात है ऑयल अब उसे उस मकदार में नहीं इंडिया को चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान को भी, अगर इंडिया ये चीजें डिजर्व करता है तो पाकिस्तान भी डिजर्व करता है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए, पाकिस्तान ना कल डिजर्व करता था, ना आज डिजर्व करता है, ना कल करेगा। जितने भी तुम बातें कर रहे हो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, समय आने पे आपके पास जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत सरकार उसको भी अपने पास में ले आएगी। Yes. बहुत बड़ी तादाद है दुनिया में, दूसरे नंबर पे शायद अगर रिजर्व होंगे तो वो फिर जम्मू एंड कश्मीर में होंगे, इस खबर के मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जिस जगह से कोई भी रिजर्व निकलते हैं वो उस जगह के लोगों के होते हैं, मतलब अगर कश्मीर से ज़खायर निकल रहे हैं और कश्मीरी लोग, वो कश्मीरियों के हैं, ना पाकिस्तान के ना इंडिया के। कश्मीर की आवाम डिजर्व करती है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन कश्मीर की आवाम बाद में, पहले वो हिंदुस्तान की आवाम है, बाद में एक स्टेट है कश्मीर, उसकी आवाम, ठीक है, तो वो हिंदुस्तानी है। ऐसे तो जो चाइना फिर यहाँ पे आके हमारे यहाँ से बलूचिस्तान से गोल्ड निकालता है या इस तरीके से जो चीज़ें निकालता है वो फिर पाकिस्तानियों की हुई, तो फिर चाइना क्यों ले जाता है? वो पाकिस्तानियों की होती है और पाकिस्तानी उनको निकालने के पैसे लेते हैं उनसे, वो ऐसे खींच के नहीं ले जाता। मान लिया वायने के कटोरे में भीग आ जाती है तो हम निकालने देते हैं, हो ही भिखारी। अब आप बोलोगे कि आपके कमेंट करने की आदत तो चली गई क्योंकि चार दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। तो मेरे भाइयों, मैं कुरुक्षेत्र गया था, थोड़ा सा पंजाब गया था, तो ब्लॉग बनाया मैंने, वहाँ गया था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर गीता का उपदेश दिया था, उसका ब्लॉग आएगा, आप जरूर देखना। इसलिए आपके जो भी विचार हो इन पाकिस्तानियों के ऊपर, इन जाहिलिस्तान के लोगों के ऊपर, वो कमेंट सेक्शन में बरसा के जाना। टारगेट रखते हैं 12,000 लाइक का, एल्गोरिथम की बैंड बज चुकी है क्योंकि चार दिन तक वीडियो नहीं आता, इसलिए लाइक करे बिना मत जाना, ठीक है? आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।